जिले के टिमरनी थाना क्षेत्र की करताना चौकी के ग्राम गगिया खेड़ी में कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर शनिवार दोपहर को मारपीट की थी और घर में रखे सामान के साथ तोड़फोड़ भी की थी। घटना में पति पत्नी सहित तीन बुजुर्ग घायल हो गए हैं। पुलिस ने फरियादी दशरथ पिता लालगिरी उम्र 76 वर्ष की शिकायत पर मारपीट कर प्राणघातक हमला करने पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में देर रात अनिल, लक्ष्मी नारायण, मोहन, राजू, गोलू, सेवर सहित अन्य हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना में गंभीर रूप से घायल खुमान सिंह उम्र 46 वर्ष के बेटे महेंद्र ने बताया कि मारपीट करने वाले लोगों को शंका थी कि उनके परिवार की एक महिला को 4 दिनों पहले बुआ का बेटा राजेश अपने साथ ले गया है। इसी बात को लेकर उन्होंने हमारे घर में घुसकर लाठी, लोहे की रॉड, बल्लम सहित अन्य हथियारों से मारपीट और तोड़फोड़ की है। वहीं मकान खाली कर गांव छोड़ने की भी धमकी दी है। महेंद्र ने बताया कि आरोपियों को बुआ के लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं होने का कहा था, फिर भी 35 से 40 लोगों ने उनके पिता खुमान सिंह, दादा दशरथ, दादी संतोषी बाई, मम्मी लक्ष्मा बाई के साथ मारपीट की है, जिन्हें 100 डायल से जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। महेंद्र का कहना है कि उनके पूरे परिवार को आरोपियों से जान का खतरा है। उधर पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज वो हमारा बुआ जी का लड़का है राजेश गिरी, वो किसी गांव की महिला को लेकर फरार है। उसके चक्कर में वो जो कि हमने साफ हो गया थाने में भी, पुलिस वाले को भी उनसे बोल दिया कि हमारे इसमें कोई गोल नहीं है, आप उसको कस्टडी में ले लो, खुद कर लो। उसके साथ हमसे कोई मतलब नहीं, 15 दिन हो गए वो लड़े ले, हमसे हमारे घर नहीं आ रहा था। सर ये सब पूरी रिपोर्ट हमारे पास थाने में बाहर से मुझे सबसे बोल दिया था, लेकिन उन्होंने आज हमारे यहाँ सब लोगों ने आके हमला किया है। पूरे मतलब गाड़ी चौकियों पर कुर्सी सब तोड़ डाली, टीवी फोड़ डाली है, और पापा जी को पैर में मारा है, माथे में बहुत गहरी चोट है, वो सदमे में, मम्मी बहनों से दादाजी को मारा है, उनकी उम्र 70 साल है, दादी को मारा है, उनकी उम्र 60।